दोस्तों ये डोलो वाला पुल बनाया जा रहा है, जो कच्चा पुल है उसके पास में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पवन माली। दोस्तों यहां पर राजघाट और अटार घाट पर जो कच्चा पुल बनाया जाता है डोलो वाला, उसके बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो आज चल के देखते हैं यहां पर कितना कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। और आज चल के देखते हैं यहां पर कितना ब्रिज कच्चा पुल बन चुका है और कितना काम हो चुका है। तो दोस्तों आज चल के देखते हैं। आज 11 नवंबर हो चुका है, अभी सुबह का 10 बजा है। और दोस्तों चल के आप देखते हैं, मैं चंबल नदी में खड़ा हूँ। दोस्तों आ सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे, यहाँ पर पक्का ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। और इधर मैं चल के देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना रास्ता बन चुका है और कितना टाइम लगेगा और कितने ढोल डल चुके हैं और अभी कितना काम हो चुका है, उसके बारे में पूरा वीडियो देखें दोस्तों। और मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा के फिनिश करें, इससे आने वाली वीडियो चंबल नदी की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपको मिल सके। दोस्तों मेरे को सपोर्ट करते रहिए तो चंबल नदी की मैं प्रतिदिन आपको जानकारी देता रहूं, सभी तरह की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और चंबल नदी की जुड़ी हुई जानकारी और भी जानकारी आपको मिल सके। तो चल के देख सकते हैं दोस्तों अपन कितना यहाँ पर काम हो चुका है और कितना टाइम लग रहा है और कितना काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कल यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई थी, यहाँ तक मिट्टी डाली गई थी। आप दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ये चैनल चल रहा है पास में ही। दोस्तों यहाँ तक मिट्टी डाली गई थी और अब आगे चल के देखते हैं घाट की तरफ, यहाँ पर कितनी मिट्टी डाली गई है और कितना ड्रम डाल दिए गए हैं, इसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मिट्टी डल चुकी है और यहाँ पर जो पानी के लिए बम्बा बोलते हैं वो भी लाए गए हैं और यहाँ पर इस पानी का निकास किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल जिप्सी द्वारा यहाँ पर रास्ता बना दिया जा रहा था बजरी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कल वहाँ से और यहाँ तक के लिए जो जिप्सी द्वारा यहाँ पर रास्ता बना दिया जा रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मिट्टी भी डाली जा रही है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मिट्टी डल चुकी है, यहाँ पर कल जिप्सी द्वारा यहाँ पर रास्ता बना दिया गया था और आज यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कल जिप्सी द्वारा यहाँ पर बजरी को हटा दिया गया था और यहाँ पर रास्ता बना दिया जा रहा था, और आज यहाँ पर चंबल नदी में और यहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। दोस्तों और यहाँ पर जो कच्चा ब्रिज डोलो वाला बनाया जा रहा है, यहाँ के लिए ये रास्ता बना दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कल यहाँ पर जिप्सी भी चलाई गई थी और ये रास्ता बना दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर मिट्टी हटा दी गई थी यहाँ पर जिप्सी द्वारा और यहाँ पर काफ़ी रास्ता बन चुका है और मैं डोलो के पास में आ चुका हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, चलते हैं और भी पास में डोलो के में, जब तक के लिए यहाँ की जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कितनी मिट्टी डल चुकी है और अभी यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा ये मिट्टी को फैला दिया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मिट्टी को फैला दिया जा रहा है और ये रास्ता शाम तक पूरा कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। और दो एक दिन में यहाँ पर जो डोलो वाला पुल बनाया जा रहा है तैयार हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर ये डोल फूटा हुआ है तो उस पर वेल्डिंग की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर पुल तैयार होगा। दोस्तों ये डोलो वाला पुल बनाया जा रहा है, जो कच्चा पुल है उसके पास में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर कितने डोल डाल चुके हैं और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 डोल डल चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा काम हो चुका है डोलों पर। तो दोस्तों यहाँ पर पटना भी डाल दिए गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जूम करके और भी बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना भी डाल दिए गए हैं और एक डोल बाकी है दोस्तों, और रास्ता भी काफ़ी तेज़ी से बनता हुआ नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है यहाँ पर जो 18वां डोल है ये सिर्फ पानी भरने के कारण यहाँ पर अभी डाला नहीं है और यहाँ पर वेल्डिंग करके 18वां डोल डाला जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी पुल बन चुका है लेकिन एक डोल की अभी कमी है। दोस्तों आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और चंबल नदी से जुड़ी हुई जानकारी के अलावा दूसरी भी जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चंबल नदी की जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे और भी जानकारी, सभी तरीका की जानकारी आपको मिलती रहे।
दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी।